हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोर्स कोड 507 के असाइनमेंट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। तो देख रहे हैं कोर्स कोड 507 असाइनमेंट एक, क्वेश्चन नंबर 1। कर शिक्षा और समाजीकरण किस प्रकार अंतर संबंधित है, व्याख्या कीजिए। शिक्षार्थियों के जीवन कौशलों के विकास में समुदाय का क्या प्रभाव होता है, चर्चा कीजिए। इसका आंसर है शिक्षा और समाजीकरण का अंतर संबंध। आंसर है शिक्षा की प्रक्रिया प्रत्येक समाज में स्थान रखती है। एक समाज से दूसरे समाज में इसके कई रूप हो सकते हैं। प्रत्येक समाज में शिक्षा के दो सामान्य कार्य हैं। पहला है समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना और अगली पीढ़ी को सांस्कृतिक संप्रेषित करना, और दूसरा कार्य है मानव संसाधन से संबंधित समाज की जरूरतों को परिपूर्ण करना। समुदाय, परिवार, साथी समूह और औपचारिक शैक्षिक संस्थाएं समाजीकरण करने वाली मुख्य संस्थाएं हैं। समाज के उत्थान के लिए सभी शैक्षिक संस्थाएं समाज का आवश्यक अंग है। शिक्षा को सामान्यतः समाज के आधारशिला के रूप में देखा जाता है, जो आर्थिक वैभव, सामाजिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता लाता है। समाज एवं संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका सार्थक सूचक है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य सामाजिक प्रगति और प्रजातंत्र के विस्तार की वृद्धि करना है। शिक्षा सामाजिक जरूरतों को पूरा करने का माध्यम है। इससे समाजीकरण में चेतना का संचार होता है। शिक्षा से समाजीकरण के कार्य। नंबर 1, संस्कृति का संचरण। नंबर 2, असमानता एवं विषमता घटाना। नंबर 3, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन। नंबर 4 है नवीन ज्ञान का विकास। और नंबर 5 है व्यक्तिक विकास। अतः हम समाज के प्रति शिक्षा प्रक्रिया द्वारा निभाई गई भूमिका को संपूर्णता में देख सकते हैं। शिक्षा और समाज दोनों ज्ञान के सर्जक हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों औपचारिक और अनौपचारिक ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा प्रदाता विद्यालय समाज का एक अंग है। शिक्षक अधिगमकर्ता और अभिभावक के कार्यों के प्रति समाज की अधिक भूमिका है। समाज की शिक्षा प्रणाली के विकास में सार्थक भूमिका निभाता है। सामाजिक आर्थिक कारकों, राजनीतिक स्थितियों और आर्थिक क्षेत्रों की भूमिका, शैक्षिक संस्थानों की प्रकृति और इसके उद्देश्यों तथा पाठ्यचर्या विकास को निर्धारित करता है। आगे है शिक्षा प्रक्रिया में सामाजिकरण का प्रभाव। नंबर 1 है सांस्कृतिक प्रभाव। अनौपचारिक व्यवस्था में सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों को समाज के नियमों एवं मूल्यों को संप्रेषित करता है, जो इस प्रकार है धर्मतंत्र, अस्तरीकरण और अंतर्निहित असमानता। नंबर 2 है आर्थिक पहल। अवसर की समानता, प्रजातंत्र और शिक्षा के भारतीय संवैधानिक प्रावधान का एक केंद्रीय मूल्य है। यह वर्तमान रूप में स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में अवसर के समाजीकरण को प्राप्त करना अत्यधिक मुश्किल है। इसलिए समाज की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है, जिसकी किसी क्षेत्र के शैक्षिक एवं मानवीय विकास पर गहरे निहितार्थ हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था धन सृजित करती है और शिक्षा समाज में वैधता प्रदान करती है। तीसरा है राजनीतिक स्थितियां एवं इसके प्रभाव। कर राज्य की प्रकृति राजनीतिक पार्टियां इसकी विचारधारा एवं नीति को निर्देशित करती है। उपर्युक्त वर्णित कारकों का शिक्षा प्रणाली और इसके विकास पर गहरा प्रभाव है। इसके अलावा समाज की ऐतिहासिकता, भौगोलिक संदर्भ, समाज की शिक्षा प्रक्रिया एवं समग्र विकास को अप्रत्यक्षतः प्रभावित करती है। इस प्रकार शिक्षा और समाजीकरण एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आगे है शिक्षार्थियों के जीवन कौशलों के विकास में समुदाय का प्रभाव। कह रहा है जीवन कौशल आधारित शिक्षा शिक्षण अधिगम की एक अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया का प्रस्ताव करती है, जो अधिगमकर्ता को ज्ञान अर्जित करने और मनोवृत्तियों तथा कौशलों को विकसित करने में सहायता करता है। जीवन कौशल की शिक्षा कक्षा आधारित सहभागी गतिविधि की अपेक्षा अधिक रहती है। हमारे समाज और संस्कृति के
पास लोकगीत और लोक कहानियों की समृद्धि होती है। समुदाय से लोक कहानियों से जीवन कौशल के विभिन्न पहलू छात्रों को प्रभावित करते हैं। जीवन कौशल को 3 सामान्य वर्गों में विभाजित किया गया है, चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल और संवेदात्मक कौशल। इन तीनों में समुदाय का ही प्रभाव देखने को मिलता है। पहला है चिंतन कौशल। ये हमारे दैनिक जीवन और व्यवहार की स्थिति है, हमारे प्रत्यक्ष अनुभव, उपलब्ध विकल्पों के अन्वेषण और हमारी क्रियाओं के द्वारा सीखा जाता है। इसके लिए हमारे समाज में ही कई घटनाएं और क्रियाएं घटित होती है जो हमें अनौपचारिक रूप से चिंतन कौशल के विकास में मदद करती है। अभिभावक भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करके बच्चों में चिंतन कौशल का विकास कर सकते हैं। दूसरा है सामाजिक कौशल। स्व जागरूकता, प्रभावी संचार, तदनुभूति जैसे सामाजिक कौशल हम समुदाय से ही सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो घर में बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, ये संवेदनशीलता हम समुदाय से ही सीखते हैं। तीसरा है रचनात्मक कौशल का। इसमें संवेदनाओं से जूझना, तनाव से जूझना, ये सभी रचनात्मक कौशल के ही कार्य हैं। सभी परिस्थितियों समुदाय एवं समाज द्वारा ही निर्मित होता है, इससे ही हम इसके काबिल होते हैं। इस तरह बच्चों का अधिगम समुदाय की संस्कृति और जीवन कौशल, जहां बच्चा रहता है इससे अधिक प्रभावित होता है। विद्यालय शिक्षा और समुदाय दोनों कौशल निर्माण की पाठशाला है। तो फ्रेंड्स, ये था आपके कोर्स कोड 507 के असाइनमेंट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।